अब इधर ध्यान दो सब लोग इस क्वेश्चन के ऊपर, और इसको इसका डायग्राम बनाओ सब लोग। इसका डायग्राम बनाओ सब लोग, किसी का बना है तो बताओ। देखो क्या कह रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल टू दिस सर्कल। अच्छा तो ऐसा है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल टू दिस सर्कल, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ना इस सर्कल की है, एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस बी स्केयर की। ठीक है, अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों सर्कल्स के सेंटर सेम है, तो मतलब ये तीनों सर्कल जो है वो कंसेंट्रिक है। ठीक है, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा कि मान लेते हैं ये वाला हमारा सबसे बड़ा सर्कल है, एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल टू जीरो। इसके ऊपर एक पॉइंट लिया, वहां से उसने टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक है, किस सर्कल के ऊपर, तो ये बीच में आएगा एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस बी स्केयर के ऊपर, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करी ऐसे। ठीक है, इसकी एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी, मान लेते हैं पी क्यू। ये वाला जो सर्कल है ये आपका, ये वाला सर्कल तो बाहर वाला हो गया एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस ए स्केयर, जो उसके अंदर वाला वो सर्कल हो गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस टचेज द सर्कल एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस सी स्केयर, तो ये इसको टच कर रहा है और इन तीनों के सेंटर जीरो जीरो है। ये वाला जो सर्कल है ये हो गया हमारा एक्स के प्लस वाई स्केयर ठीक है ऐसे। तो ये डायग्राम बनना चाहिए, देखो ये डायग्राम किसका बना है, जिसने डायग्राम बाहर बना दिया तो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि कंसेंट्रिक है ना, तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो क्या है कि एक सर्कल है एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस ए स्केयर, उससे आपने क्या किया टेंजेंट ड्रॉ करी एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस बी स्केयर पे, उसकी एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी जो थर्ड सर्कल की क्या है टेंजेंट है एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस सी स्केयर इक्वल टू जीरो। तो उसके बाद हमें ये समझ आ गया कि भाई अब हमें क्या करना है, एबीसी में रिलेशन निकालो। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये वाला कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। ये एक ही पैरामीटर में लिखने का ये फायदा होता है कि इसको बार बार आपको सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना नहीं पड़ेगा और एक ही वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस होगा, तो थीटा इज द पैरामीटर, उससे हमने लिख लिया। अब आप बीच वाले सर्कल को देखो एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस बी स्केयर को, इस सर्कल के लिए अगर मैं ये वाला जो पॉइंट है इसको ए मान लेते हैं, इस पॉइंट से पी क्यू की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, तो पी क्यू की इक्वेशन क्या आएगी, टी इक्वल टू जीरो आएगी, टी इक्वल टू जीरो फॉर दिस सर्कल एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस बी स्केयर।
याद आ रहा है, अभी अभी आपने सुबह ही पढ़ा था कि अगर एक सर्कल है और ये टेंजेंट है, ऐसे टेंजेंट्स आ रही हैं, तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन की इक्वेशन टी इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है? इस लाइन की इक्वेशन टी इक्वल टू जीरो होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो क्या इक्वेशन बनेगी, टी इक्वल टू जीरो लिख दो, ए कॉस थीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए साइन थीटा टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है? तो ये किसकी क्वेश्चन हो गई, पी क्यू की क्वेश्चन हो गई। तो इसको लिख लेते हैं, ए कॉस थीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए साइन थीटा टाइम्स ऑफ वाई माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी क्वेश्चन हो गई, ठीक है? अब क्या है, अब ये जो लाइन है पी क्यू, ये किसकी टेंजेंट है, ये थर्ड सर्कल की टेंजेंट है। मतलब यहां से जब आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये सी के बराबर आना चाहिए। तो ओ से पी क्यू के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम ओरिजिन टू पी क्यू दिस शुड बी इक्वल टू सी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, माइनस बी स्केयर का मॉड अपॉन ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस ए स्केयर साइन स्केयर थीटा दिस शुड बी इक्वल टू सी, ठीक है? एबीसी सब पॉजिटिव मान के चलते हैं क्योंकि रेडियस है, तो ये आ जाएगा बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी। तो एबीसी में ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन किसका है, जीपी का रिलेशन, अगर आपको ध्यान में हो तो, एबीसी आर एन जी पी। क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ बताओ। जिसको नहीं समझ आया मैं एक बार और बता रहा हूँ, देखो सुनो। क्वेश्चन में ऐसा था कि एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस ए स्केयर एक सर्कल है, एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस बी स्केयर भी एक सर्कल है, एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस सी स्केयर भी एक सर्कल है, तीनों का सेंटर जीरो जीरो है। तो उसने बोला एक सर्कल ए वाले से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है बी के ऊपर, तो उसकी एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी जो थर्ड सर्कल जो एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस सी स्केयर उसकी टेंजेंट है। उन्होंने डायग्राम बना दिया, यहां से टेंजेंट बनाई, इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी, वो थर्ड सर्कल की टेंजेंट है। तो इस सर्कल के ऊपर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के लिए पी क्यू की क्वेश्चन क्या हो जाएगी इस सर्कल के रिस्पेक्ट में। अब वो ध्यान रखना है कि किस सर्कल के लिए आप लिख रहे हो, तो पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ दिस सर्कल, उसके लिए बाहर वाला पॉइंट, ये ए वाला पॉइंट तो बाहर है, उसके लिए इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की क्वेश्चन क्या आएगी, टी इक्वल टू जीरो। हमने टी इक्वल टू जीरो लिख दिया, फिर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का किसके बराबर है, सी के बराबर है, क्योंकि वो थर्ड सर्कल की टेंजेंट है, तो हमने सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी के बराबर कर दिया, ठीक है? उससे आगे ए बी सी आर एन जी पी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हो गया हमारा 13th, 14th देखो अब। तो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो बाइसेक्ट्स दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो फाइंड द कंडीशन। इसकी जो कंडीशन है वो जी वन जी टू एफ वन एफ टू सी वन सी टू में आएगी। तो एक बार डायग्राम बनाओ इसका भी, जो पहला सर्कल है वो दूसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एक कंडीशन आएगी, तो वो बताओ आप। स्क्रीन किसी और को भी लैग कर रही है?
रीशेयर करिए देखो। इसमें ऐसे लिखा हुआ है जो पहला सर्कल है दैट बाइसेक्ट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेकंड सर्कल फाइंड द डिमेंशन। नहीं ये नहीं आई है, कुशाग्र से नहीं है ये। तो तुमने लाइन की क्वेश्चन लिख दी, लाइन थोड़ी कुछ कंडीशन बनेगी ना। G1 G2 F1 F2 C1 C2 में आई है। देखो डायग्राम बनाया करो सबसे पहले, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप डायग्राम बना के समझते हो ना फिर क्वेश्चन जल्दी होगा। देखो क्या, देखो मैं बताता हूँ। अब ये हमारा मान लेते हैं हमारा सर्कल S1 है और ये हमारा सर्कल S2 है। सो S1 इज बाइसेक्टिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकेंड सर्कल। तो S2 ये हम बना लेते हैं, ये हमारा S2 है, ठीक है, ये S2 है और जो S1 है वो इसके सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मान लो ये कुछ डायमीटर है, ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि इस तरफ भी हमारा पाई आर होना चाहिए और इस तरफ भी लेंथ उसका क्या होना चाहिए, पाई आर। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है ना, तो जो आपका पहला सर्कल है वो ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, जो भी हो उसका साइज बड़ा हो छोटा जो भी हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसे। तो ये S1 = 0 ऐसा हो गया। तो जो S1 = 0 है दैट इज बाइसेक्टिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकेंड सर्कल। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो इन दोनों की कॉमन कॉर्ड है, अभी क्वेश्चन कॉमन कॉर्ड के ऊपर है ना, तो अब इन दोनों की जो कॉमन कॉर्ड है वो ये वाली बनेगी। अब जो कॉमन कॉर्ड है दैट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सेकेंड सर्कल, ठीक है। जो कॉमन कॉर्ड है वो किससे पास करनी चाहिए, सेंटर ऑफ द सेकेंड सर्कल से पास करनी चाहिए, बस ये करना है आपको। तो कॉमन कॉर्ड वी ऑल नो इज S1 - S2 = 0। तो S1 - S2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 times of G1 - G2x + 2 times of F1 - F2y + C1 - C2 = 0। ये कॉमन कॉर्ड की क्वेश्चन हो गई, ठीक है। अब ये किससे पास करिए, मतलब ये जो कॉमन कॉर्ड है दैट शुड बी डायमीटर ऑफ द सेकेंड सर्कल, तो मतलब ये इसके सेंटर से पास करेगी -G2 - F2 से। तो आप इसमें वो सेटिस्फाई करा दो, तो -2G2 G1 - G2 + 2F1 - F2 - F2, ठीक है, +C1 - C2 = 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये नेगेटिव उधर भेज देते हैं, तो 2 times of G2 times of G1 - G2, ये नेगेटिव इसके इनसाइड भेज देते हैं ना ब्रैकेट के इनसाइड, तो ये आ जाएगा G2 - G1, ठीक है, +2F2 times of F2 - F1 + C1 - C2 = 0। सो दिस इज द आंसर, ये कंडीशन आ गई। देखो भाई ऑल क्लियर करो, समझ आ गया तो।
ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला भी अच्छा क्वेश्चन है जी का। ये क्वेश्चन देखो, टू सर्कल सी वन एंड सी टू, टू सर्कल्स सी वन एंड सी टू इंटरसेक्ट इन सच अ वे दैट देयर कॉमन कॉर्ड इज ऑफ मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, सेंटर ऑफ सी वन इज 1.2 एंड इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स। रेडियस ऑफ सी टू इज 5 यूनिट्स। If slope of common chord is 10 center of C2 is। करो भाई ट्राई करो इसको। इसका भी आंसर आया बताओ चैट बॉक्स में, डायग्राम बनाओ।
नहीं बनी बात किसी की भी। 6.7 इज नॉट राइट, सही नहीं है। तो देखो मैं बता रहा हूं, चलो चलो बनाओ बनाओ। देखो तो क्या है, इसमें दो सर्कल ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट देयर कॉमन कॉर्ड इज ऑफ मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 है और एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 है। अच्छा आप देखो, आप ऐसे सोचो कि मान लो एक सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, ऐसे ही हमारे पास एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। ठीक है, इसका डायमीटर 6 है और इसका डायमीटर 10 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ को मैक्सिमाइज करना है। तो होगा क्या कि आप इस सर्कल को इसके पास लेकर आओ, तो पहला केस ऐसा होगा जैसे ये बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है, ऐसे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट्स के ऊपर। अब ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है ये बढ़ती रहेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जैसे जैसे आप इसको इनसाइड की डायरेक्शन में लेके आते रहोगे तो ये बढ़ती रहेगी। अब एक केस ऐसा आएगा जब ये मैक्सिमम हो जाएगी, वो कब होगी, जब वो छोटे वाले का डायमीटर हो जाएगा, मतलब ये डायमीटर जब 6 हो जाएगा तो वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि इससे इस डायरेक्शन में खींचोगे तो कॉर्ड की लेंथ कम होगी, इसको आगे की डायरेक्शन में पुश करोगे तब भी कॉर्ड की लेंथ कम होगी। तो अगर कभी भी ऐसा बोला जाता है कि कॉमन कॉर्ड इज ऑफ मैक्सिमम लेंथ बाय मेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, तो वो जो छोटा वाला सर्कल है उसका डायमीटर जो होगा वो कॉमन कॉर्ड की मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल होगी। ये बात समझ आ गया, मैक्सिमम लेंथ कह रहा है, मिनिमम नहीं कह रहा है। मिनिमम तो वैसे वो तो टच कर लेंगे उसमें, उसमें मिनिमम लेंथ 0 हो जाएगी उसमें, जैसे ये टच कर रहे हैं। अब जैसे जैसे इसको आप इनसाइड लेकर आओगे तो कॉर्ड की लेंथ को क्या होगा, कॉर्ड की लेंथ इंक्रीज होगी। बात समझ आ गई सबको? तो जो C2 है वो तो 5 यूनिट्स है, तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि भाई ये हमारा C2 है, इसका रेडियस हमारा 5 यूनिट्स है। कैसे बना लेते हैं, तो ये इसका डायमीटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, ये यहां से यहां तक 5 यूनिट्स हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा सर्कल है उसका कितना है, रेडियस 3 यूनिट है, तो वो अब ऐसे इंटरसेक्ट करेगा कि जैसे 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका मतलब जब वो 3 पे इंटरसेक्ट करेगा ऐसे आएगा ना, तो ये जो कॉर्ड आएगी इस पे उसका सेंटर आएगा। तो मान लेते हैं कुछ ऐसा सर्कल बन गया। ठीक है, ऐसा एक सर्कल बन जाएगा, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, इसका रेडियस 5 है और ये जो है ये इसका डायमीटर बन रहा है और इसका रेडियस कितना है, 3, इसके परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्ट होगा ना सेंटर पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, तो ये हमारा C1 हो गया। अब वो क्या चाह रहा है कि द सेंटर ऑफ C1 इज 1.2, तो इसका जो सेंटर है वो उसने दे दिया 1.2 है। ठीक है, इफ द स्लोप ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज, अब ये जो कॉमन कॉर्ड है इसकी स्लोप भी दे दी उसने 3/4, द सेंटर ऑफ C2, तो हमें C2 का सेंटर निकालना है, मतलब ये पॉइंट इसको P मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? अब ये डायग्राम क्लियर है, पहले तो ये बताओ सबको कि जब दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो कॉमन कॉर्ड की लेंथ जो मैक्सिमम होगी वो तभी होगी जब वो छोटे वाले का डायमीटर हो, मतलब ये कॉमन कॉर्ड इज ऑफ, हियर कॉमन कॉर्ड इज ऑफ मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, अच्छा जी,
तो अब होना क्या है कि जो जैसे इसको मान लेते हैं ओ, तो ओपी का डिस्टेंस अगर हमें मिल जाता है तो हम फिर आगे सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम को। तो मैंने ऐसा देखा कि ये जो डिस्टेंस है ये तो रेडियस ही है, ये तो 5 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस से ओपी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 का, अब इसकी स्लोप 3/4 है, तो जो ओपी है इसकी स्लोप -4/3 आ जाएगी। ओपी की स्लोप कितनी आ जाएगी, -4/3। ठीक है, तो O से P का डिस्टेंस 4 यूनिट है, स्लोप पता है आपको, O के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो पैरामीट्रिक लगा सकते हैं। तो O से 4 डिस्टेंस की दूरी पे अलोंग द लाइन विद स्लोप -4/3 हमें पॉइंट निकालना है। तो ऐसे 2 पॉइंट होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, एक राइट हैंड साइड में आएगा। क्लियर समझ आ रहा है? तो ये डायग्राम एकदम आप इसको उल्टा भी तो कर सकते हो, इसका मिरर रिफ्लेक्शन ले लो, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आपका P यहाँ कहीं भी आ जाएगा, तो ये P डैश हो जाएगा इसी लाइन में आगे, समझ गए? तो 2 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, तो हमारे पास टैन थीटा जो है, स्लोप जो है वो -4/3 है पैरामीट्रिक लगाने के लिए। तो हमें ये समझ आ गया, अगर ये थीटा लेता हूँ तो ये 4 है, ये 3 है, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो साइन थीटा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको याद होगा थीटा हमने बोला था 0 से π, ओपन -π/2 होता है। ठीक है, तो क्लोज 0 पे ले सकते हो आप उसमें। साइन थीटा जो आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते तो 4/5 आ जाएगा। कॉस थीटा जो आप लोगे वो -3/5 आ जाएगा। ठीक है, अब जो पी के कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर आएंगे, एक्स इज इक्वल टू x1 + r = 4 cos θ, प्लस माइनस लेना पड़ेगा कॉमा, दूसरा क्या आएगा 2 + - यहाँ पे 4 आ जाएगा, r sin θ = 4/5। ये 2 कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो एक आ जाएगा मेरे पास 1 - 12/5, पहले प्लस वाले ले लेते हैं, 2 + 16/5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 + 12/5 कॉमा 2 - 16/5। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, एक तो आ रहा है -7/5 कॉमा 26/5, और एक आ रहा है 5 + 12 = 17/5 कॉमा -6/5। तो ये 2 आंसर आए। देखो भाई, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बताइए, मैं रिपीट करता हूँ, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 15, नाउ 16th प्रॉब्लम। इफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 8 makes equal intercept of length A on the coordinate axis then इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मॉड ए इज लेस देन 8, मॉड ए लेस देन 4√2, मॉड ए लेस देन 4, मॉड ए ग्रेटर देन 4। सिंगल करेक्ट है, एस सी के मतलब एक ही आंसर है, एक ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, बताओ भाई।
लो एक बार ट्राई कर लो सब लोग, मैं बता रहा हूँ फिर इसका आंसर। बी नहीं है इसका आंसर। भी नहीं है बेटा इसका आंसर, देखो ध्यान से। हाँ स्क्रीन बाकी लोगों को दिख रही है, विजिबल है, एक बार बताओ मुझे। प्रणव आप इसको रीज्वाइन करो एक बार ना। ओके चलो देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन के बारे में। इफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो अब हमारे पास सर्कल है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा सेंटर 0 0 हो जाएगा, ठीक है, और रेडियस कितना हो जाएगा इसका 2√2 है ना, ये 2√2 कॉमा 0 पे जाएगा। अच्छा अब आपको क्या चाहिए, एक लाइन है जो कि इक्वल इंटरसेक्ट बना रही है, तो वो आपको कॉर्ड बनानी है इसकी। तो मान लो वो लाइन यहाँ पर आ रही है जैसे, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्ट बना रही है, यहाँ पे ए इंटरसेक्ट बना रही है, तो ये इसकी क्या होनी चाहिए, कॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन के लिए पैरेलल मतलब ए की वैल्यूज हमें चेक करनी है ना कि ये कहाँ से कहाँ रह सकता है। तो बस सिंपल सा केस है कि भाई जब ये लाइन टेंजेंट हो जाएगी, ये केस ऐसा आएगा ना जब ये लाइन टेंजेंट हो जाएगी, जैसे ऐसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये एक लाइन हमारी टेंजेंट हो रही है ऐसे कुछ, ठीक है। हमें टेंजेंट ये वाला केस हमें नहीं चाहिए, इससे ऊपर वाली लाइंस भी नहीं हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए इससे जस्ट नीचे अगर आ जाए, इससे जस्ट नीचे अगर आ जाएगी लाइन तो वो दो बार कट करने लग जाएगी ना भाई, अगर टेंजेंट नहीं है तो कॉर्ड ही तो बनेगी, तो आप टेंजेंट की कंडीशन निकाल लीजिए। तो यहां पर भी तो इक्वल इंटरसेप्ट ही तो बना रही है, तो जो ए की वैल्यू टेंजेंट के लिए होगा उससे कम हमें चाहिए रहेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये लाइन है एक्स प्लस वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0, 0,0 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट शुड बी लेस देन रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2√2, तो वो अब हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 माइनस ए का मॉड बाय √2, दिस शुड बी लेस देन 2√2, तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ए, ये √2 पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉड ए लेस देन 4। तो अभी समझ आया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन को समझने मतलब समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, उसका डायग्राम बना के उसको समझो कि क्या कह रहा है, नहीं तो फिर ऐसी छोटी छोटी गलतियां करोगे एग्जाम में भी वही हो जाती हैं। प्रॉब्लम 17 देखो, इफ द टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल, इफ द टेंजेंट्स are drawn to the circle xk plus yk is equal to 12 at the points 5x + 3y - 2 = 0, the point of intersection of tangent is
ठीक है करो इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी आते हैं जेईई मेंस में। नहीं ये सही नहीं है विधि। ठीक और देखो और किसी का आंसर आया। देखो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या है, द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। तो हमारे पास एक सर्कल है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये सर्कल है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एट द पॉइंट। अब इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है जहां पे ये दूसरे सर्कल को कट कर रहा है। मान लो एक और सर्कल है ऐसा, हमें पता कि इसका रेडियस बड़ा है कि इसका छोटा है, वो मैंने निकाला भी नहीं अभी। ये सर्कल जो है ये वाला एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये जहां पे कट कर रहा है इसको, मान लो पी और क्यू पे, वहां पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ करी है, ठीक है। तो जैसे आपने मान लो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, यहाँ पे कैसी टेंजेंट आई, और ये दोनों टेंजेंट से पॉइंट ए पे कट कर रही है, तो हमें ये पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पहले तो ये बताओ, इफ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, तो ये टेंजेंट किस पे बनी हुई है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 पे तो बनी हुई है, एट द पॉइंट वेयर इट मीट्स द सर्कल दिस। तो किस पॉइंट पे, जहां पे वो इस सर्कल को मीट कर रहा है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर
माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो को, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, अच्छा तो अब हमें क्या करना चाहिए, देखो अब तो एक तो तरीका है कि भाई पहले मैं इस सर्कल और इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे उससे, इस पे टेंजेंट लिखो उस पे टेंजेंट लिखो उसका इंटरसेक्शन निकालो, तो वो काफी लेंदी सा मेथड हो जाएगा, क्योंकि तो आपने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले पी और क्यू, फिर वहां पे टेंजेंट्स निकाली और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। अब इसका ज्यादा अच्छा तरीका क्या है इसको करने का, देखो मान लो कि ये जो पॉइंट है ये आपका एच कॉमा के है, ठीक है, तो एच कॉमा के कारण आपका ये जो पी क्यू है दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये किस सर्कल का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रहा है बताओ, जिसकी टेंजेंट होगी उसी का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा, तो पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सी ओ सी ऑफ एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 12। ये ध्यान रखना है ये जो लाइंस हैं ये हमारी टेंजेंट है, जो ये एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 12 वाला सर्कल है उसकी टेंजेंट है ये, ठीक है समझ गए, तो एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 12 की पी क्यू क्या बन गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बन गई, ठीक है, एंड पी क्यू इज ऑल्सो कॉमन कॉर्ड, पी क्यू इज ऑल्सो कॉमन कॉर्ड ऑफ एस वन एंड एस टू, ठीक है, तो हम क्या करेंगे पी क्यू की इक्वेशन एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो से लिख सकते हैं और पी क्यू की इक्वेशन सी ओ सी से भी लिख सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर दो बिकॉज बोथ द इक्वेशंस आर सेम, कंपेयर तो कर ही सकते हैं ना भाई, दो आपने एक ही लाइन की दो इक्वेशन लिख दी, एक ही लाइन की दो इक्वेशन लिख दी और दोनों सेम ही तो होनी चाहिए, तभी तो वो डायग्राम जस्टिफाइड होगा, तो पहले क्या करते हैं हम सर्कल की इक्वेशन लिख देते हैं, वो थी एक्स स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक तो ये इक्वेशन थी मेरे पास और एक सर्कल की इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ये दो इक्वेशन है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे एस वन माइनस एस टू कर देंगे, तो एस वन माइनस एस टू करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू, तो ये सब्ट्रैक्ट होके प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो से हमारे पास कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी 5x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू, ठीक है जी, एक ही क्वेश्चन तो ये आ गई, ठीक है, अब सीओसी की क्वेश्चन क्या आएगी, सीओसी की क्वेश्चन आ जाएगी हमारे पास किस सर्कल के लिए लिखनी है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 के लिए लिखनी है, तो उसके लिए आ जाएगा एच एक्स प्लस के वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, अब यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगा, क्या होगा बोथ दीज इक्वेशंस आर सेम, अब आपको पता है बोथ दीज इक्वेशंस आर सेम, दो लाइंस अगर सेम होते हैं ए वन बाई टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल सी वन बाई सी टू होता है, तो एच बाय फाइव इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के बाय माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व बाय माइनस टेन, तो एच मेरे पास आ जाएगा ये बन जाएगा ट्वेल्व बाय टेन इंटू फाइव, ठीक है, के बन जाएगा मेरे पास ट्वेल्व बाय टेन इंटू माइनस थ्री, ठीक है, तो ये एच आ जाएगा सिक्स आ गया, ओके आ जाएगा सिक्स बाय फाइव तो माइनस एटीन बाय फाइव, ठीक है, तो हमारा आंसर इस प्रॉब्लम का हो जाएगा सिक्स कॉमा माइनस एटीन बाय फाइव, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है रहेगा सिक्स कॉमा माइनस एटीन बाय फाइव, ठीक है, तो दिस इज द आंसर, बताओ भाई कुछ कंफ्यूजन है तो, ओके मैं रीशेयर करता हूँ एक बार रिपीट करता हूँ फिर, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि एक सर्कल की टेंजेंट थी एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 की टेंजेंट्स थी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था और वो टेंजेंट उस पॉइंट पे ड्रॉ करी गई थी जहां पे वो एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू को इंटरसेक्ट कर रहा था, तो पहले हमने इन दोनों को इंटरसेक्ट करा के इसकी कॉमन कॉर्ड निकाल,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आवाज नहीं आ रही मेरी, अभी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? एक बार बताओ, यस लिखो चैट बॉक्स में। ओके चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, विच इज बाइसेक्टेड एट माइनस टू कॉमा फोर। करो भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। इसका तो आंसर आ जाना चाहिए। ठीक तो इसका मतलब हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज नॉन, वैसा हो गया ना, बाइसेक्टेड कहने का मतलब समझ रहे हो, बाइसेक्टेड इस पॉइंट पर है। तो क्या लिखोगे, टी इक्वल टू एस वन लिख दो इस पॉइंट के लिए। तो टी कैसे लिखते हैं हम, एक्स एक्स वन तो एक्स इंटू माइनस टू प्लस वाई वाई वन वाई इंटू फोर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ टू एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन लिखते हैं तो एक्स माइनस टू। ठीक है, तो टेन वाई तो है नहीं इसमें, बस टेन है अकेला, प्लस टेन माइनस ए, और यहाँ पर एस वन में ये पॉइंट पुट कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व प्लस टेन माइनस ए। टेन माइनस ए तो पूरे का पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया, और देखो क्या वैल्यू आ रही है, तो यार ये माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा फोर, फोर प्लस ट्वेल्व सिक्सटीन, सिक्सटीन थर्टी टू, जा रहा है माइनस फाइव एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू जीरो। हमारा आंसर आ रहा है फाइव एक्स माइनस फोर वाई प्लस ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू जीरो, ये आंसर आना चाहिए। देखो ये आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी सा क्वेश्चन था, टी इक्वल टू एस वन लिखना था, बस इसमें यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि टी इक्वल टू एस वन लिखना कैसे है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड दैट पासिस थ्रू ओरिजिन, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड दैट पासिस थ्रू ओरिजिन।
इसका आंसर है इसका लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड दैट पासेस थ्रू ओरिजिन। देखो मैं बताता हूँ, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड दैट पासेस, मतलब मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, तो इसके कॉर्ड बन रही होगी जिसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, मैं एच कॉमा के का लोकस निकालना है, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया ना। बट ये जो कॉर्ड है आगे चल के या पीछे चल के कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से भी पास कर रही है। तो आप क्या करो, ए बी की इक्वेशन लिखना जानते हो आप, ए बी की इक्वेशन कैसे लिखोगे, टी इक्वल टू एस वन से लिख दोगे, सो टी इक्वल टू एस वन लिख लो, जिससे आपके पास ए बी की इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एच के आ जाएगी। क्या इक्वेशन आएगी, एच एक्स प्लस के वाई प्लस जी टाइम्स ऑफ एच प्लस एक्स प्लस एफ टाइम्स ऑफ के प्लस वाई, क्योंकि 2y की जगह वाई प्लस वाई वन लिखना होता है ना, प्लस सी इज इक्वल टू एस वन में क्या करोगे, ये पॉइंट पुट कर दोगे, तो एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये टी इक्वल टू एस वन हो गया हमारे पास। अब ये जो लाइन है, ये जो ए बी की क्वेश्चन है, ये किससे पास करी, ओरिजिन से, इसमें जीरो जीरो सेटिस्फाई करा दो, तो एक्स की जगह जीरो, दिस पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ये एच की जगह एक्स की जगह जीरो पुट करोगे और वाई की जगह जीरो पुट करोगे, तो ये दोनों जीरो हो गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी एच प्लस एफ के प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस c। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसका लोकस सर्कल आ रहा है मतलब ना, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसा बन गया। कुछ ही बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि हाँ सिंपल सा लॉजिक था कि आपकी जो एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट है उसका लोकस निकालना है, तो उस लोकस को हमने एच कॉमा के मान लिया, तो उसकी इक्वेशन लिखनी आती है, तो टी इक्वल एस वन से हमने उसकी इक्वेशन लिख दी। अब दैट कॉर्ड पासिस थ्रू ओरिजिन, तो हमने उसको ओरिजिन से पास करा दिया। हाँ बताओ विधि कैसे किया आपने। सबको ये क्लियर हो गया, जिस जिसको क्लियर हो गया ऑल क्लियर करो एक बार। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, आर ड्रॉन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ऑन द सर्कल पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लाइन टू द सर्कल आएगा यहाँ पे ना। मतलब हमने क्या कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर पॉइंट लेके इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, देयर वेरिएबल कॉर्ड ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट।
उस कोऑर्डिनेट्स आर। हाँ वो भी ठीक है, विधि और जो आपने किया वो भी ठीक है अवनी ने, ना आपने क्या किया होगा, ये सेंटर माइनस जी माइनस एफ मान लिया, ठीक है, तो आपने इसकी स्लोप लेके इसकी स्लोप लिख दी होगी, इस लाइन की इक्वेशन लिख के ओरिजिन से पास करा दिया होगा, ठीक है, ठीक है उससे, बट वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बेसिकली हमने डिराइव करके उसी से तो टी इक्वल टू एस वन निकाला था, तो बोथ आर सेम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है वो तरीका भी। ठीक है नो प्रॉब्लम, अभी इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो और इसका आंसर बताओ, ये भी जेई का प्रॉब्लम है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन टू द सर्कल दिस, देयर वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर। बेटा आप सब लोग ये वाले क्वेश्चन को करो, कहाँ चले गए, किसी का भी आंसर नहीं आया। वन कॉमा फोर बाय थ्री, सही है, और देखो किसी का आया। तो बेसिकली ऐसा है कि जैसे ये सर्कल है हमारे पास,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सर्कल है तो एक लाइन है विच इज आउटसाइड द सर्कल. आप इसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देख सकते हैं, वो 12/5 आ रहा है विच इज मोर देन 2, ठीक है. तो इसके ऊपर आपके पास क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट. तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया आपने, वहां से आपने क्या किया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बन गई मान लो ये वाली A1 B1, ठीक है. ऐसे आपने दूसरा पॉइंट भी लिया, वहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी कुछ ऐसे करके, वो कॉर्ड आ गई A2 B2, ठीक है. ये पॉइंट P जो हो गया, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, ये जितनी भी कॉर्ड आएंगी वो हमेशा पॉइंट P से पास करेंगी, तो वो फिक्स्ड पॉइंट, वही तो कह रहा है ना, दे ऑल दी वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, वेरिएबल ही हो गया ना, जितने पॉइंट लेते रहोगे उतनी वेरिएबल कॉर्ड आएंगी, वो हमेशा एक पॉइंट P से पास करेंगी. वो पॉइंट P हमें निकालना है कि भाई एच कॉमा के ये क्या होगा. समझ गए, ठीक है. तो एक काम करते हैं, देखो इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है. उसके लिए जैसे कोई भी एक इन जनरल पॉइंट मानोगे, उसके लिए A1 B1 A2 B2 ये सब क्या होंगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होंगी, ठीक है. तो इसको हमने जैसे मान लिया, एक्स को टी मान लेता हूँ, एक्स को मैंने टी मान लिया, ठीक है. तो वाई क्या आ जाएगा मेरे पास, 3T+4Y = 12 है इक्वेशन, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 12 - 3T/4, तो वाई की वैल्यू होगी 12 - 3T/4. अब इस पॉइंट के लिए हम COC लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको से Q मान लेते हैं, तो Q के लिए COC की इक्वेशन क्या आ जाएगी, A2 B2. सो A2 B2 की इक्वेशन आ जाएगी T = 0, ठीक है. तो वो क्या आ जाएगा, TX+12 - 3T/4Y - 4 = 0. अभी फैमिली ऑफ लाइन बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें कैसे, देखो TX - 3T/4Y, ठीक है, +3Y - 4 = 0. तो टी टाइम्स ऑफ X - 3/4Y + Y 3Y - 4, इसको ऐसे रहने देते हैं, 3Y - 4 = 0. देख लो ये टी तो वेरिएबल था ना, टी तो आपका पैरामीटर था, टी शुड बिलोंग टू आर फॉर दिस लाइन. तो ये हमारे पास कुछ ऐसा हो गया ना, L1+T L2 = 0, ठीक है. तो कौन सी इनफाइनाइट लाइंस बन रही है हमारे पास, Y = 4/3 एक लाइन बन रही है, ठीक है, एक लाइन, दो लाइन बन रही है, और वो L1+λL2 से इनफाइनाइट लाइंस बनेंगी. तो X = 3/4, ये दूसरी लाइन बन रही है. इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, 1, 4/3. तो दिस इज द फिक्स पॉइंट. देखो भाई, किसी को नहीं समझ आया तो बताओ, किसी को इस प्रॉब्लम में दिक्कत है तो बताइए. क्या किया हमने, लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट लिखा, उसके कारण T = 0 लिख दिया, तो वो मेरे को इनफाइनाइट, ये जो है, ये जो T के कारण इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएंगी. तो इनफाइनाइट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो हमेशा एक वेरिएबल पॉइंट से पास कर रही है, वो हमने निकाल लिया, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं, तो ये हो गया हमारा 20th क्वेश्चन. नेक्स्ट बड़ा इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ X - H² + Y - K² = A². तो
बहुत ही बढ़िया, सिंपल है ना ये। तो आपको ये याद होना चाहिए कि एक्स के प्लस वाई स्केयर इक्वल टू ए स्केयर का जो डायरेक्टर सर्कल था वो एक्स के प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 2a² होगा, क्योंकि वो क्या था उसमें रेडियस √2a टाइम्स हो जाता है। तो ये तो शिफ्टेड है, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इसमें एक्स माइनस एच को से कैपिटल एक्स मान लेते हो, वाई माइनस के को से आपने कैपिटल वाई मान लिया, तो आपका कैपिटल एक्स स्केयर प्लस कैपिटल वाई स्केयर इक्वल टू ए स्केयर आ जाएगा सर्कल। तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, इसका डायरेक्टर सर्कल आपके पास आ जाएगा कैपिटल एक्स स्केयर प्लस कैपिटल वाई स्केयर इजिकल टू 2a². बस अब वो लिख दो, तो नया डायरेक्टर जो पुराने कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2a² बस। 2 रेडियस हो जाते हैं ना सेम सेंटर के साथ। ठीक है, सबको क्लियर हो गया, तो ये इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस सी। चिराग तुम्हारा माइक ऑन हो जा रहा है बार बार। फ्रॉम 0 0 is pi by 2, then find value of c। करो भाई ट्राई करो। एन इज द राइट आंसर। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आप ज्योमेट्री से कर सकते हो, एक SS1 = T² से भी कर सकते हो। ठीक है, तो बट देखने पे लग रहा है कि ज्योमेट्री से आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ऐसा हो गया कि इसका जो सेंटर है वो है -2, -4। ठीक है, और ओरिजिन से जो आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो उसके बीच का एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया, रेडियस हो जाएगा। आपको पता है कि ये वाला पॉइंट पे डायरेक्ट सर्कल पे आ जाएगा ना, देखने में भी समझ आ रहा है। ठीक है, 90 डिग्री दिया हुआ ना ये एंगल, ये पॉइंट डायरेक्ट सर्कल पे आ जाएगा। मतलब अगर ये आर है तो ये हमारा √2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल देते हैं √4 + 16 = रेडियस टाइम्स ऑफ √2। रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, g² + f² - c।
रेडियस टाइम्स ऑफ रूट टू हो जाएगा, तो ये रूट 20 हो रहा है, ठीक है होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 20 माइनस सी, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो सी हमारे पास कितना आ जाएगा 20 माइनस 10, 10। क्लियर हो गया, एक तो तरीका ही हो गया। दूसरा तरीका होता है कि आप एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर लिख दो, तो एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर से आपके पास क्या आ जाती है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एल वन एंड एल टू आ जाती, उसमें फिर आप क्या करते हैं कि ए प्लस बी को जीरो कर जाते हैं, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर देते हैं। बट सर्कल सर्कल के केस में क्या होता है कि ज्योमेट्री लग जाती है, बट जैसे बाकी आप इलिप्स में जाओगे, पैराबोला वगैरह में जाओगे, वहां ज्योमेट्री थोड़ी कम यूज होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करो, तो दिस वाज 22, प्रॉब्लम 23। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ by which one can go from minus 2,0 to 2,0 without entering the interior of the circle ठीक है, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बाय व्हिच वन कैन गो फ्रॉम माइनस 20 टू 20 विदाउट एंटरिंग द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। बताओ इसका आंसर, बताओ। इसका डायग्राम बनाओ पहले तो ना, फिर उसके बाद करो इस क्वेश्चन को। टू रूट फाइव इज नॉट राइट, 36/7 इज ऑल्सो नॉट राइट। ये पॉइंट तो ना ऑपोजिट साइड पर है ना, सर्कल के ऑपोजिट साइड पर है।
2√5 सही नहीं है बेटा, बता दिया आपको। देखो अगर इसका आप डायग्राम बनाते हो कुछ ऐसा बनेगा। ये सर्कल बन गया 0 0, ये 1 0 इसका रेडियस है, ये पॉइंट -1 0 होगा, -2 0 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ठीक है। अब इसको, ये बी पॉइंट है 2 0, तो उसको ए से बी पे जाना है। वो सर्कल के अंदर एंटर नहीं कर सकता ना, ये तो बताया विदाउट एंटरिंग द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो कैसे जाएगा अभी आपको सोचना है कि शॉर्टेस्ट पाथ बनाए वो। सब कर रहे हो इस क्वेश्चन को? हाँ, दो टेनेंट्स बना के जाएगा। पाई नहीं आएगा आंसर। दो टेंजेंट्स बना के तो जाएगा, बट वो सर्कल के ऊपर भी तो जाएगा। एक्चुअली में ऐसा बनेगा, देखो चलो मैं बताता हूँ। यहां से एक टेंजेंट लाइन जाएगी, ठीक है, ऐसे सिमेट्री आएगी। इधर से भी एक टेंजेंट लाइन जाएगी शॉर्टेस्ट, क्योंकि ये यहाँ देखो आप, अगर यहाँ से ए से मान लो ये पी क्यू मान लेते हैं इसका डायमीटर, ए से पी जाके फिर पी से ये वो लेंथी पड़ेगा ना उसको, तो ये वाला यहाँ तक तो वो डिस्प्लेसमेंट फॉलो करेगा, तो ए टी वन बोल देते हैं इसको। फिर उसके बाद वो इस सर्कल पे चलेगा ऐसे यहाँ तक, ठीक है। फिर ये ए टी टू, फिर टी टू भी आएगा, तो उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट बनेगा, वो बनेगा ए टी वन प्लस टी वन टी टू प्लस टी टू बी। तो ये अब आपको लेंथ निकालनी है। नहीं, वो सर्कल के इंटीरियर में नहीं जा सकता ना, और कोई पाथ बनेगा नहीं, तो शॉर्टेस्ट तो यही बनेगा, पेरिफेरी पे रहेगा वो। अब इसकी लेंथ निकालो, ए टी वन प्लस टी वन टी टू प्लस टी टू बी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैराबोला वगैरह नहीं बनेगा वो सर्कल। अभी हमें देखने पे समझ आ ही रहा है ना कि इसके बाहर जाए, देखो इससे बाहर कुछ भी लेंथ अगर लेगा तो उससे बड़ी हो जाएगी ना, हमें तो मिनिमम 5 चाहिए ना। तो टी वन टी टू से अगर बाहर जाता है तो वो तो मतलब लेंथ बड़ी हो जाएगी, तो मिनिमम 5 चाहिए, इसलिए वो क्या करेगा, ए टी वन तक स्ट्रेट लाइन, बी टी टू भी स्ट्रेट लाइन होगी, टी वन टी टू सर्कल के ऊपर आया। भाई आंसर बताओ, आंसर ही निकाल पा रहे हो तुम लोग?
देखो हम क्या करेंगे, यहां तक निकाल लेंगे ओ पॉइंट, वो नहीं, इसको कुछ और मान लेते हैं, से एम, इसको एन मान लेते हैं, ठीक है, ये एन पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, तो एन तक निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये अगर आप अपेंडिकुलर गिराओगे तो दिस लेंथ इज वन एंड दिस लेंथ इज टू, है ना। तो ये लेंथ हमारे पास टू है और ये लेंथ हमारे पास वन है, ठीक है। अब ये हाइपोटेन्यूज होगी तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, रूट थ्री। क्लियर हो गया, बी टी टू इज रूट थ्री, ये टू है, ये वन है, ये हाइपोटेन्यूज है टू, तो रूट थ्री आ जाएगा। सिमिलरली ये लेंथ भी हमारे पास रूट थ्री आ जाएगी, बट उसका डबल ही कर रहे हैं हम, तो टू टाइम्स ऑफ रूट थ्री प्लस। अच्छा अब एंगल निकाल लेते हैं हम, तो ये वाला एंगल क्या होगा, टैन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाय वन, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा पाई बाय सिक्स। तो एल इज इक्वल टू एन टी टू जो होगा वो क्या होगा, आर्क लेंथ क्या होती है, आर थीटा होती है ना, तो रेडियंस में पाई बाय सिक्स आ जाएगा, तो पाई बाय थ्री प्लस टू रूट थ्री इज द आंसर, टू रूट थ्री प्लस पाई बाय थ्री, दिस इज द आंसर। देखो समझ आया नहीं समझ आया, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, कल हम थ्योरी क्लास होगी तो प्लीज अटेंड करें, मिस मत करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके आगे वाले भी, फैमिली ऑफ सर्कल्स, पोल पोलर, ऐसी अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।